राम राम भाइयों, के हाल है। तो दोस्तों, अभी हम मौजूद है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, भारत की जो तरक्की है उसकी रफ्तार दोस्तों आप देख सकते हैं। देश के दो महानगरों दिल्ली और मुंबई को आपस में जोड़ने वाला ये शानदार एक्सप्रेसवे दोस्तों 8 लेन का बनाया गया है। हाल ही में इसका उद्घाटन सड़क एवं राजमार्ग मंत्री जो है माननीय नितिन गडकरी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दोस्तों, केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और आज हम इस एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं जो कई घंटों का सफर था दोस्तों, उसको घटाकर इसने जो है चंद घंटों में आपके सफर को आसान कर दिया है। बिल्कुल एफर्टलेस गाड़ियां चल रही हैं। अभी हम इस एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही गजब का अनुभव है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 8 लेन का है और इसकी जो स्पीड लिमिट है दोस्तों 120 किलोमीटर है। आप अपनी कार को मनपसंद जो है जितना मन करे उतने भगा सकते हैं, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। इसकी जो लिमिट इस एक्सप्रेसवे की रखी गई है वो 120 किलोमीटर है। बाकी दोस्तों, राजस्थान और हरियाणा के जो खूबसूरत गांव के बीच से निकलता हुआ ये एक्सप्रेसवे, बीच बीच में आपको घाटियां और पहाड़ियां भी दिखाई दे जाएंगी। भारत को गांव को इससे करीब से देखने का मौका दोस्तों और कहीं नहीं आपको मिलेगा। बेहद खूबसूरत है, शानदार है और भारत जो है लगातार दोस्तों तरक्की के पथ पर जो है अग्रसर है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ भारत के विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गडकरी जी को, जो कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। दोस्तों, इंडिया को बहुत जल्द अमेरिका से भी आगे लेकर जाने का प्लान है पूरा। और दोस्तों, एक बार जॉन एफ कैनेडी ने कहा भी था कि अमेरिका इसलिए विकसित नहीं है कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं, अमेरिका इसलिए विकसित है क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं। तो दोस्तों, जिस देश की सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारा डेवलप होगा, उस देश को विकसित होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और ये देश का अमृत काल चल रहा है और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, खूबसूरत सा नज़ारा है और बेहतरीन ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए बिल्कुल भी आपको कोई जर्क इस रोड पर महसूस होगा ही नहीं। दिल खोल के आप गाड़ी चलाइए, गाड़ी भी शानदार यहाँ पे आपको माइलेज देती है और जबरदस्त नज़ारा है। बाकी मेरे साथ प्रशांत जी हैं, मेरे आज को पैसेंजर हैं, आइए बात करता हूँ। प्रशांत जी, कैसा अनुभव रहा? अनुभव काफ़ी अच्छा रहा और अभी बिल्कुल नया नया सा एक्सप्रेसवे देखने को मिल रहा है। और स्पीड की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन गाड़ी चल रही है, स्मूथली चल रही है। और दूसरी बात की जाए तो जगह जगह जो कैमरे की भी व्यवस्था की गई है स्पीड को ट्रैक करने के लिए, तो ये भी जो है सरकार की एक अच्छी पहल, राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ से NHAI की तरफ से देखने को मिल रही है कि ओवर जो स्पीड है वो ज़्यादा लोग ना करें, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। वैसे भी 120 किलोमीटर पर्याप्त स्पीड है। हाँ, तो दोस्तों, अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं और तेज रफ्तार से फर्राटा भरते हुए अपने मंजिल की तरफ तेजी से पहुंचना चाहते हैं, हाँ, तो आपके लिए बहुत ही शानदार एक्सप्रेसवे जो है बनकर तैयार हो चुका है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली हरियाणा राजस्थान मुंबई को जोड़ते हुए बड़ोदरा तक दोस्तों जाता है। इस एक्सप्रेसवे की जो टोटल लंबाई है तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर है और मात्र जो 20-22 घंटे का थकाऊ सफर होता था 10 से 12 घंटे वो घटकर हो गया है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ इस शानदार एक्सप्रेसवे पर जाइए, नज़ारा लीजिए और प्रकृति के बीच में बसे हुए गांव का आनंद लीजिए। दोस्तों, तो देश मेरा बिल्कुल बदल रहा है दोस्तों, तरक्की कर रहा है और ये सब संभव हुआ है देश के प्रधानमंत्री के विजनरी सोच के कारण। और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दोस्तों काफ़ी बल दिया जा रहा है और देश के अमृत काल में देश को विकसित बनाना है, लेकिन केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम सारे नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि सरकार को पूरा सहयोग दें, जो डिसिप्लिन बनाए गए हैं रोड के लिए उनका पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी जो है ओवर स्पीड करने से रोकें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए।
और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी इजाजत दीजिए दोस्तों, जय जय श्री राम।